नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट के वीडियो में हमने निखिलम आधार विधि की सहायता से संख्याओं को गुणा करना सीखा था। आज की क्लास में भी हम उसी विधि को जारी रखते हुए कुछ और पैटर्न सीखने वाले हैं। अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस वीडियो को देख करके आप निखिलम आधार विधि जो हमने स्टार्ट की थी वो वहां से आप सीख सकते हैं। लास्ट के क्लास में हमने आधार के बारे में पढ़ा था कि वैदिक गणित में संख्याओं को गुणा करते समय हमें आधार 10 या 100 या 1000 या 10 की घात के रूप में लेना होता है। साथ में हमने यह भी सीखा था कि विचलन निकालने का सूत्र, विचलन जो सूत्र है हमारा निकालने का वो है संख्या माइनस आधार। तो जब भी हमें संख्याओं का विचलन निकालना होगा तो इसी सूत्र की सहायता से हमें विचलन निकालेंगे, संख्या माइनस आधार। इसके साथ में हमने निखिलम आधार विधि की सहायता से जो सूत्र था हमारा वह भी हमने सीखा था। वो सूत्र आपको याद होना चाहिए तभी आप इस विधि की सहायता से, निखिलम आधार विधि की सहायता से संख्याओं को बड़े आसानी से और कम समय में गुणा कर पाएंगे। तो वो सूत्र था, मैं एक बार आपको बोल करके बता देता हूँ। सूत्र हमें दो पक्षों में लिखा था, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में हमने लिखा था एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, जो कि अभी हम सूत्र में आज भी लगाने वाले हैं। साथ में हमने दूसरा जो पक्ष था हमारा दक्षिण पक्ष, उसमें हमने लिखा था दोनों चरम अंकों का गुणनफल। तो वही सूत्र हम आज की क्लास में भी लगाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो वो उस वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लेने वाले हैं 1007 × 1012। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है आज का 1007 × 1012। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आधार क्या होगा इन संख्याओं का, क्योंकि वैदिक गणित में हमें जब संख्याओं गुणा करना है तो यहाँ पर हमें आधार लेना होगा। और अगर आपने लास्ट का जो वीडियो है, लास्ट की क्लास देखी है, तो आप बड़े आसानी से इन संख्याओं का आधार निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर इन संख्याओं का आधार हम लेंगे 1000, क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं 1000 के आसपास है, तो इसलिए इन संख्याओं का आधार हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 1000। ठीक है, अब हम बात करते हैं विचलन की, क्योंकि सूत्र लगाने के लिए हमें विचलन भी निकालना होगा। तो अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का विचलन निकालते हैं। तो विचलन का सूत्र था हमारा संख्या माइनस आधार। तो यहाँ पर संख्या माइनस आधार सूत्र लगा करके हमने यहाँ पर राइट साइड में दोनों संख्याओं का विचलन निकाल लिया है। आप भी विचलन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, दोनों संख्याओं का जो विचलन है वो प्लस में है, धनात्मक विचलन है। आगे वाले वीडियो में हम ऋणात्मक संख्याओं का जब विचलन ऋणात्मक आएगा तो किस तरह से उनको गुणा करना है वो भी हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो अब चलिए, हमने दोनों संख्याओं का विचलन यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निखिलम आधार विधि का जो सूत्र है वो लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने वाम जो पक्ष है उसमें लगा दिया एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन। यहाँ आप देख सकते हो एक संख्या 1007 प्लस दूसरी संख्या जो 1012 है उसका विचलन हमने लिख दिया 12। तो 1007 प्लस 12 हमने लिख दिया वाम पक्ष में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण पक्ष की। तो दक्षिण पक्ष में हमारा क्या सूत्र है, दोनों विचलनों का गुणनफल हमें यहाँ पर दक्षिण पक्ष में करना होता है। तो यहाँ पर दक्षिण पक्ष में हमने गुणा कर दिया 7 × 12। इसके बाद हमने इसको सिंपली हल कर लिया तो यहाँ पर वाम पक्ष में हमारे पास आ गया 1019 और दक्षिण पक्ष में आ गया हमारे पास 84। अब यहाँ पर एक चीज आपको बड़े ध्यान रखनी है और ध्यान से सुननी है, समझनी है कि जब भी हम संख्याओं को गुणा यहाँ पर कर रहे हैं तो दक्षिण पक्ष में हमें क्या करना होता है, आधार में जितने शून्य हैं, ध्यान से सुनिए, आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक हमें दक्षिण पक्ष में रखने होते हैं। अगर अंक ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें उनको वाम पक्ष में भेजना होगा, और अगर अंक कम हो जाते हैं तो हमें उस संख्या के आगे जीरो लिख करके उतने अंक करने पड़ते हैं।
ये इस वैदिक गणित का जो है नियम है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, समझाया हुआ भी है लिख करके कि आधार में यहाँ पर हमारे 3 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में हमारे पास कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, और हमारे पास कितने अंक है, 2 अंक है, 84 में 2 अंक हमारे पास है, तो 1 अंक हमारे पास और होना चाहिए। तो 1 अंक कहाँ से आएगा, तो हम क्या करेंगे, 84 के आगे 1 0 और लिख देंगे, और इस तरह से हमें अंकों का समायोजन यहाँ पर करना है, और हमने लिख दिया 84 के आगे 0, तो 0 84 हमारे पास हो गया, और दक्षिण पक्ष में हमारे पास 3 अंक हो गए, और लिखने के बाद में हमें दोनों पक्षों को एक साथ लिखना है। अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो आपका आंसर है जो आपका गुणा है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पक्षों को एक साथ लिखने से पहले आपको दक्षिण पक्ष में नियम के अनुसार अंक करने होंगे, उसके बाद ही आपको दोनों पक्षों को एक साथ लिखना है। तो इस तरह से आप गुणा है आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें जो संख्याओं का विचलन जो है वो ऋणात्मक होगा। तो अब तक हमने जो गुणा सीखे थे वहां पर जो संख्याओं का विचलन था वो धनात्मक था। अगर आपने नोट किया होगा तो जब भी हमने विचलन निकाला तो वो धनात्मक था। अब हम कई बार अगर विचलन हमारा जो है ऋणात्मक हो जाएगा तो किस तरह से हमें संख्याओं को गुणा करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया, सबसे पहले 7 गुणा 18। अब 7 गुणा 18 को हमें करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं आधार की। तो आधार आप निकाल सकते हैं, इस संख्याओं के लिए हमें आधार लेना होगा 10, जो कि हमने ले लिया 10। आधार के बाद में हम निकालते हैं विचलन। तो हमने यहाँ पर विचलन निकाला दोनों संख्याओं का, तो संख्या माइनस आधार, पहली संख्या हमारी 7 है तो 7 माइनस हमने आधार कर दिया 10, तो हमारा जो विचलन आ गया -3, अर्थात जो विचलन है वो हमारा यहाँ पर आ गया ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी संख्या का विचलन निकाला तो वो हमारे पास आ गया 8, जो कि धनात्मक है। अब यहाँ पर हम जैसे हम करते आए विधि उसी तरह से हमें यहाँ पर लिखना है और लिख करके गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया संख्या और उसके सामने उसका विचलन, इसके बाद हमने सूत्र लगा दिया यहाँ पर, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। तो एक संख्या हमने ली 7 प्लस दूसरी जो संख्या है 18, उसका विचलन 8 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 प्लस 8, वाम पक्ष में यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं दक्षिण पक्ष की। तो दक्षिण पक्ष में हमें जो सूत्र है उसमें लिखा हुआ है दोनों चरम अंकों का गुणनफल हमें गुणा करना होता है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया -3 गुणा 8। ठीक है, अब इसके बाद वाम पक्ष को हमने हल कर दिया और हमने दक्षिण पक्ष को गुणा करके दक्षिण पक्ष को हल कर दिया, तो इस तरह से वाम पक्ष हमारे पास आ गया 15 और दक्षिण पक्ष हमारे पास आ गया -24। अब देखिए दक्षिण पक्ष में माइनस आ चुका है, तो हमें यहाँ पर दक्षिण पक्ष में माइनस नहीं रखना है, इसको हमें प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमें अपनाना है, हम वाम पक्ष में से कुछ संख्या हासिल लेंगे और दक्षिण पक्ष में उसको लेकर के आएंगे। अब अगर हम 1 हासिल लेते हैं तो हमारे पास कितना आएंगे, उसका स्थानीय मान दक्षिण पक्ष में 1 और 10 हो जाएगा, तो यहां पर 10 से काम नहीं होगा क्योंकि हमारे पास -24 है। तो इसको घटाने के लिए इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तब ही दक्षिण पक्ष हमारा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर हम वाम पक्ष में से 3 हासिल लेंगे, तो उसका जो दक्षिण पक्ष में स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारे पास 30। तो यही काम हमें करना है। अगर यहाँ पर -14 होता तो हम 2 अंक उधार लेते, 2 उधार लेते तो हमारे पास 2 का स्थानीय मान यहाँ पर हो जाता 20 हो जाता। तो यहाँ पर 20 में से हम 14 को आसानी से घटा देते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास -24 है इसलिए हमने यहाँ से 3 लिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है 15 में से हमने 3 इधर भेजेंगे, तो 15 में से 3 मैंने यहाँ पर काम कर दिए वाम पक्ष में, तो 15 - 3 यहाँ लिख दिया, और दक्षिण पक्ष में कितने हो जाएंगे वो 30, तो 30 में से हमने -24 घटा दिया, तो यहाँ पर मैंने दिया 30 - 24। तो अब इनको हल करके हमने लिख दिया, तो यहां वाम पक्ष में 12 और दक्षिण पक्ष में हमारे पास बच गए 6, और लास्ट में हमने दोनों पक्षों को एक साथ लिख दिया, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ गया 126 आ गया। तो इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं को भी हम निकिलम आधार विधि की सहायता से बड़े आसान और सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। साथ में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो आधार है हमारा 100, आधार 100 वाला और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 94 गुणा 92, तो यहाँ पर आधार हमारा होगा 100। अब आप 2 वीडियो में सीख चुके होंगे आधार निकालना, तो यहाँ पर आधार हमारा होगा 100 और आधार के बाद में हमने विचलन भी आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ विचलन भी हमने निकाल लिया। अब दोनों संख्याओं का विचलन यहाँ पर ऋणात्मक है क्योंकि संख्या माइनस आधार, संख्या हमारी 94 है और आधार हमारा 100 है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का विचलन हमारे पास आ गया ऋणात्मक।
अब इसके बाद में हमने यहां पर सूत्र लगा दिया, तो एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, तो 94 प्लस दूसरी संख्या -8 है, तो माइनस को हमने कोष्टक में लिख दिया, और साथ में दक्षिण पक्ष में दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमने कर दिया, -6 × -8, और इनको सिंपली हल कर दिया, तो 94 - -8 = 86, और दूसरे पक्ष में हमारे पास बच गया 48, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आधार में 2 शून्य है, तो दक्षिण पक्ष में हमारे पास 2 अंक है 48 के रूप में, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में हमने दोनों संख्याओं को एक साथ लिख दिया, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ गया 8648। तो यहां पर हमने निखिलम आधार विधि के जो पैटर्न हैं, सभी पैटर्न हैं वो यहाँ पर सीख लिए हैं। अगले वीडियो में हम निखिलम उपाधार विधि की सहायता से किस तरह से संख्याओं को गुणा करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।